तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आ गए फिर से नए वीडियो के साथ आपके लिए, न्यू ट्रेंडिंग लोगो एडिटिंग के लिए। लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। अगर ये आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पिक्सल ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद इसे ओपन कर लेना है। पिक्सल ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, फिर आपको साइज वाले ऑप्शन पर टैप करना है। आपको मैं बता देता हूँ, इमेज साइज पर आपको क्लिक करना है। इमेज साइज पर क्लिक कर लेने के बाद आपको इस पर टैप करना है, पहले वाले पर, और इसमें को आपको काट देना है। और यहाँ पर आपको लिख लेना है 576, फिर आपको ओके पर टैप कर देना है। ये आपकी कुछ इस प्रकार साइज आ जाएगी। फिर आपको नीचे पांच ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको चौथे वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर आपको कलर पर जाना है। कलर पर जाकर यहाँ पर आपको वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब न्यू टेक्स्ट को आपको रोटेट करना है। न्यू टेक्स्ट को रोटेट करने के बाद आपको इस पर डबल बार टैप करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। फिर आपको ओके पर टैप करना है। फिर से लिख लेते हैं। ओके पर टैप कर देने के बाद आपको नीचे नीचे इसको सबसे पहले इसे बड़ा कर देना है, फिर आपको इसे यहाँ पर लाना है। आप देख सकते हैं हमारा जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो दिख नहीं रहा है, इसलिए आपने कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर आपको आगे स्लाइड करके ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आगे स्लाइड करना है, फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आना है। माई फॉन्ट में जाकर आपको एक फॉन्ट की लिंक दूंगा, जिसे आपको ले लेना है। फिर आपको ओके पर टैप कर देना है। ये आपका फॉन्ट कुछ इस प्रकार आ जाएगा। फॉन्ट आ जाने के बाद आपको आगे स्लाइड करना है। फिर आपको स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर आकर इसे थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, जिससे क्या होगा हमारा नाम अच्छे से आ जाएगा। फिर आपको आगे स्लाइड करके शेडो वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। फिर इसे ऑन करके ब्लर रिड्यूस और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है। ब्लर रिड्यूस को थोड़ा सा और कम, इसे हमें फुली देने देना है, इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लगभग दो। ओपेसिटी एक्स को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है 5, और ओपेसिटी वाई को भी 5 बढ़ा देना है। और सबसे पहले हम इसे ब्लर रिड्यूस को थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर आपको सही वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। ये आपका कुछ इस प्रकार बन के आ जाएगा। फिर आपको नीचे आना है तीसरे वाले ऑप्शन पर, फिर आपको इस पर इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार की एक PNG की लिंक मिल जाएगी, इसे आपको ले लेना है। फिर आपको आगे स्लाइड करके इरेजर कलर पर आकर से ऑन करके पेंसिल वाले बटन पर टैप करना है और सही पर टैप कर देना है। फिर आपको सही पर टैप कर देने के बाद आपको इसे साइड में लाना है और यहाँ पर इसे अच्छे से रख देना है, जैसा कि मैं रख रहा हूँ। इसे रख देने के बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। फिर आपको कलर को ऑन करके इसमें आपको जो कलर आपको अच्छा लगे वह भी रख सकते हैं आप। अगर मैं कोडिंग रखना चाहो तो वह भी रख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको लेयर वाले आइकन पर जाकर जो भी हमने मटेरियल यूज किया उसे आपको लॉक कर देना है। फिर ये लॉक कर देने के बाद आपको फिर से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की PNG को ले लेना है। इसे क्रॉप कर लेते हैं। फिर आपको सेव पर टैप कर देना है। फिर आपको इरेजर कलर पर आना है। फिर से इसे ऑन करके आपको पेंसिल पर टैप करना है। ये आपका इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर आपको इसे इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करके साइड में से लगा देना है। फिर से आपको कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। इसे ऑन करके आपको अपने अकॉर्डिंग जो कलर अच्छा लगे वो यहाँ पर आपको ले लेना है। फिर से आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको उस फोल्डर में चल जाना है। फिर आपको इस वाली PNG को लेकर सेव पर टैप कर देना है। फिर से आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इरेजर कलर पर आकर इसे ऑन करना है। फिर सेव पर टैप कर देना है। फिर
फिर आपको इसे कुछ इस प्रकार रोटेट करना है और इसकी साइज को छोटा कर देना है। माफ़ी चाहता हूँ कि आपको कुछ शोर शराबा आवाज़ आ रही होगी बाहर की, उसके लिए हमारे पास में ही काम चल रहा है इसलिए। तो हम आ जाते हैं वीडियो पे। इसे आपको छोटा करना है और यहाँ पर लाकर इसे रख देना है। कुछ इस प्रकार रख देने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और टेक्स्ट ले लेना है। फिर आपको टेक्स्ट को रोटेट करना है और इस पर डबल बार टैप करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप लिख लेना। जो भी आप जैसे कॉमेडी बनाते हो तो कॉमेडी लिख लेना। हम लिख लेते हैं 4K स्टेटस एडिटर। फिर आपको ओके पर टैप कर देना है। फिर आपको ए वाले ऑप्शन पर आना है, फॉन्ट में आना है, माई फॉन्ट में आकर उसी वाले फॉन्ट को फिर से यूज कर लेना है। फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पर आना है, इसमें आपको वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आगे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड, इस पर टैप करके इसे ऑन करना है। फिर आपको इसमें जो आपके अकॉर्डिंग कलर रखना चाहो वो रख सकते हैं। और फिर आपको इसे यहाँ से छोटा कर देना है कुछ इस प्रकार, इसे छोटा करके यहाँ पर लाकर आपको इसे रख देना है। फिर से हम लेयर वाले आइकन पर जाएंगे, इसे भी आपको लॉक कर देना है सभी को। फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इंपोर्ट पे जाकर आपको एक पीएनजी मिलेगी, सोशल मीडिया पीएनजी, इसे हम ले लेंगे और सही पर टैप कर देंगे। इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इरेजर कलर पर आके इसे ऑन करके पेंसिल वाले बटन पर टैप करके ये देख सकते हैं आप, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। फिर आपको इसे अपने जो भी लिखा है अपनी कैटेगरी उसके सामने से लगा देना है कुछ इस प्रकार। इसे लगा देने के बाद अच्छे से लगा देते हैं। इसे लगा देने के बाद अब फिर आपको फिर से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और कुछ इस प्रकार की पीएनजी आपको ले लेनी है। हम ले लेते हैं मिलने ही पीएनजी नीचे की साइड, इस वाली पीएनजी को ले लेना है। फिर आपको आगे आना है, इरेजर कलर पर इसे ऑन करके छोड़ देना है। फिर आपको इसे साइज को छोटा करना है और अपने नाम के नीचे से सामने लगा देना है कुछ इस प्रकार। देख सकते हैं ये बन के लोगो हमारा रेडी हो चुका है। फिर आपको सेल वाले आइकन पर जाना है, इसे अल्ट्रा करके आपको सेव टू गैलरी पर टैप कर देना है। अगर आप इसमें एक और नाम लिखना चाहते हैं तो वहीं इस पर अपने नाम पर टैप करना है आपको। अपने नाम पर टैप कर देने के बाद ए वाले आइकन पर आएंगे, कॉपी पर टैप करना है। कॉपी पर टैप कर देने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक और नाम आ चुका है। फिर हम शेडो पर जाएंगे, इसे डिसेबल करके इसकी साइज को छोटा करके हम यहाँ पर आपको इसे हमें आप यहाँ पर आपको अच्छे से लगा देना है। देख सकते हैं ये इससे लगाने के बाद आपका लोगो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर सेव वाले आइकन पर जाके इसे सेव टू गैलरी पर टैप कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और नई वीडियो के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।